चल मॉर्निंग एवरीवन। और आज है 22 जनवरी, तो सबसे पहले सब किसी को जय श्री राम। और आज सुबह सो के उठ के सबसे पहला काम जो हमारा है वो हम जा रहे हैं नहाने, क्योंकि आज समझे तो एक हिसाब से हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। तो सबसे पहले जाके नहाते हैं, उसके बाद पूजा करेंगे, तब निकलेंगे कॉलेज के लिए। गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी नहा के ऑल सेट और जा रहे हैं कॉलेज के लिए। अभी मंदिर जाने में थोड़ा लेट है क्योंकि आज अपने कॉलेज में टर्म और प्रैक्टिकल का सबमिशन, तो वही जमा करने अभी मैं जा रहा हूँ। और मंदिर जाऊँगा वही अपने सेकेंड हाफ में, क्योंकि फर्स्ट हाफ में अपने कॉलेज का कुछ काम वाम है। आज बहुत सारा प्लानिंग भी किया हुआ है हम लोगों का, आज अपने हॉस्टल को पूरी तरह से एकदम डेकोरेट कर देना है और आज के दिन को पूरा सेलिब्रेट करना है। बात है कि आज हमारे साहिल बाबू 25 दिन पे नहा रहे हैं। सो गाइस फाइनली अभी हम आ गए अपने कॉलेज के ऑडिटोरियम में, और यहाँ अपने नीतीश भाई का जो है प्रेजेंटेशन होने वाला है आज, तो उसी का थोड़ा नीतीश भाई को प्रिपरेशन कराने के लिए लाए हैं, क्योंकि ये अपने दोस्त हैं और जब ये प्रेजेंटेशन दे तो सबसे बेस्ट वाला दे। तो नीतीश भाई को रेडी कर रहे हैं ऑडिटोरियम में ला के, इनका जो फियर है वो हटा रहे हैं। मेरे बंदे लोग हैं, मेरे विक्रम दोस्त हैं, मेरे जूनियर हैं, जो कि काफ़ी हेल्प कर रहे हैं हमारा ये जो स्कैन करना है PDF प्रैक्टिकल टर्म का, और ये लड़का भी मेरा कर रहा है, थैंक यू सबको। और ऋषभ भाई कुछ नहीं कर रहा है, खाली हमको ऊपर से टेंशन में डाल रहा है। तो जूनियर को सबसे थैंक यू, क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट का बाकी है, तो ये दोनों मेरा लिखने में हेल्प कर रहा है। अभिषेक जो काफ़ी हेल्प कर रहा है यहाँ पे, मेरा सारा चीज़ का PDF बना रहा है। तो गाइस फाइनली अभी अपना सारा लैब प्रैक्टिकल रिपोर्ट सारा कुछ रेडी हो गया है, और अभी जा रहे हैं अभी हम जमा करने, मेरे साथ अपने दोस्त ऋषभ आनंद। और टर्म और प्रैक्टिकल ये सब जमा करते करते हम लोगों को 3 बज गया है, और अभी जा रहा हूँ मैं खाना खाने। सुबह का एक बार का खाना, अभी भूख भी लग गया है। खाने में अपने चावल दाल भुजिया, और अपने अरिहंत बाबू मिले हैं जो कि जिनका बर्थडे आने वाला है 28 तारीख को, इनका बर्थडे अरिहंत भाई का, तो पार्टी तो देंगे हम, लेके रहेंगे पार्टी। सुबह आज रात में जो दीपावली का सेलिब्रेशन है अपने हॉस्टल में, उसका सारा अभी दीप वीप आ गया है अपने रूम में। ये अपने अरिहंत बाबू का रूम है, सारे दीप के स्पॉन्सर यही है, सारे दीप जो है इनके तरफ से, और पूरे अपने ब्रांचमेट के तरफ से हम लोग BHC को एकदम सजा देंगे, पूरा डेकोरेट कर देंगे। और सिर्फ अपने हॉस्टल में ही अपने कॉलेज के बाकी स्टूडेंट भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, रात में दिखाएंगे। गाइज मेरे नीतीश भाई का जो प्रोजेक्ट है वो बन के रेडी हो गया है, और यही है नीतीश भाई आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल बाइसाइकिल है। अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए, उतर के बताते हैं। हाँ बताइए 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 बताइए, इधर दिखाइए पूरा, ये नीतीश भाई का प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल, तो क्या बोलना चाहिएगा प्रोजेक्ट के बारे में? बहुत अच्छा है, राहुल सर बहुत खुश हो गए हैं मेरे प्रोजेक्ट को देखते हुए। अपने नीतीश भाई इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल बनाया है, जो वर्किंग है कि नहीं? वर्किंग है, वर्किंग है, बैटरी है, मोटर है। तो मुझे टेस्ट ड्राइव मिलेगा कि नहीं? मुझे टेस्ट ड्राइव मिलेगा, हाँ मिलेगा, अभी 2 से 4 में आओ दिखाना है, थोड़ा आ रहे हैं बाहर से आते हैं जो। और गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं ढाला पे है मंदिर, जहाँ माता जी का दर्शन करेंगे आज हम लोग। वैसे हम लोगों को तो जाना रोज चाहिए, लेकिन रोज हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता है, थोड़ा इधर हम लोग बिजी रहते हैं, लेकिन आज स्पेशल डे है और आज स्पेशल डे, इसलिए हम लोग टाइम निकाल के आज जाना एकदम जरूरी समझ रहे हैं। और एकदम यहाँ का माहौल जो है पूरा, हर एक जगह झंडा लगा हुआ है भगवा, पूरा भगवा मैं हो गया पूरा सिपाया ढाला, जहाँ हम लोग रहते हैं ढाला का मंदिर, जहाँ पे भैया लोग हम लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं। काम प्रसाद हम लोग सबसे पहले खा लेते हैं। ऊपर वाला दिवाली मनाया जा रहा है, पटाखे उटाखे सब बेचे जा रहे हैं, कैसा क्या बोलना चाहिएगा ये ध्वजा भी? और ये ध्वज तो पूछिए नहीं, हर एक जगह वहाँ पे भी ऊपर में हर एक जगह लगा हुआ है आज ध्वजा, फिर वहाँ पे मतलब जिधर देखे उधर आज भगवान ध्वज दिख रहा है, और आज हॉस्टल भी तो हम लोग एकदम पूरा सज के समर जाएगा। अपना सुविधा लॉज है जहाँ पे आज भगवान राम का फंक्शन रखा गया है, पूजा वजह सब कुछ ऑर्गेनाइज किया गया है। बाहर भैया लोग आज हम लोग को प्रसादी दे रहे हैं, देखो विनीत बाबू आज गए हैं बाइक उड़ाते हुए। अपने हॉस्टल पे भी भगवान झंडा लग चुका है, अपने BH3 पे इसी हॉस्टल में हम लोग रहते हैं 300-400। और गाइस ये अपने हॉस्टल के बाहर अभी दीप से जय श्री राम दिखा रहा है। चल जय। और मेरे विक्की भाई काफी मेहनत कर रहे हैं, इनके मेहनत के लिए भाई
आप इनकी मेहनत को सलाम है कि चढ़े हुए एकदम। और ये अपने BH3 का डेकोरेशन चल रहा है और इधर BH1 का सिस्टम देख के आते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम। गाइज अभी हम लोग अपने हॉस्टल वाले बिल्डिंग को तो हमने डेकोरेट किया ही है, साथ में अपने कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वहाँ पे भी एकदम पूरा दीप जलाया गया है। युग राम राज का आ गया शुभ दिन से झलका प्रेम अनुराग जी सज धज के ओ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे है प्रभु राम बोलो जय और गाइज ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं अपने थोड़ा ये भाई का रील शूट कर रहे हैं और ये अपना एक यहाँ पे है और एक कैमरा दो दो एंगल से हम लोग शूट कर रहे हैं आज और ये मेरा दोस्त है जो BTS रिकॉर्ड करेगा। सजन रे पास तो आना ना कभी मुझे छोड़ के। और गाइस आज हमारे मेस में भी ये सेलिब्रेट किया जा रहा है और आज हम लोग खाने में एकदम पूरी खीर सब्जी सब कोई के लिए। गाइस फिलहाल खाना खा के आ गए हम और काफी अच्छा दिन रहा आज का। आप लोगों के लिए कैसा रहा आप लोग कमेंट करके बताइए, कितने लोग खुश हैं ये जो हमारे भगवान राम आए हैं। और गाइस भगवान हर एक जगह है, आते नहीं है, तो ये जो उनका मंदिर बना है उसके बारे में पूछ रहा हूँ। तो इस ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और भाई जल्दी से 1K करिए, फिर हम निकलेंगे राम मंदिर घूमने एग्जाम बाद। और एक और चीज़ बहुत लोग पूछ रहे हो, ये सोच रहे होंगे कि ब्लॉग रेगुलर क्यों नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोग का एग्ज़ाम आने वाला है अभी 7 फरवरी से, हम लोग का एग्ज़ाम है सेमेस्टर एग्ज़ाम, थोड़ा उधर हमारा फोकस चला जा रहा है तो इधर थोड़ा कम फोकस हो जा रहा है। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम ब्लॉग दें, वीडियो रिकॉर्ड करें, लेकिन क्या करें थोड़ा हो नहीं हो पाता है क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहता है। तो भाई अभी वाले को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि ज़्यादा बकवास हमको पता है आप लोगों को नहीं पसंद है। ठीक है, थैंक यू, बाय।